नमस्कार। जब हम भारत में मंदिरों की बात करते हैं तो सबसे पहले भक्ति, उसके बाद ज्ञान और कला की छवि ही हमारे मन में उभरती है। जो लोग थोड़े प्रोग्रेसिव होते हैं वो खुजराहो बनाने वाली उन्नत सभ्यता का इतिहास खोजकर भी हमें सोचने का एक नया नजरिया देते हैं। पर कभी क्या किसी ने आपको ये बताया है कि भारत के कुछ विशेष क्षेत्र के मंदिर वैश्यावृत्ति को भी बढ़ावा देते थे? दरअसल जब हम इतिहास की बात करते हैं तो कई ऐसे पहलू हमारे सामने आते हैं जो मानवता और सभ्यता के गुणगान को दुत्कार देते हैं। इसी तरह की एक कुप्रथा देवदासी से जुड़ी है। आज की कहानी भारत में 7वीं शताब्दी में चोल, चेर और पांडे के शासन के तहत दक्षिणी भारत में देवदासी संस्कृति प्रचलन में आई। इतिहासकार तो ये भी बताते हैं कि 10वीं शताब्दी की शुरुआत में मंदिर और पूजन को आकर्षक बनाने के लिए नृत्य गान के लिए स्त्रियों की नियुक्ति और बासवी व्यवस्था ने ही देवदासी प्रथा को बल दिया। कुल मिलाकर 9वीं-10वीं शताब्दी तक भारत के कई क्षेत्रों में देह व्यापार को बल देने वाली देवदासी प्रथा गहरी जड़ें जमा चुकी थी। देवदासी असल में एक धार्मिक प्रथा है जिसके तहत लड़कियों को भगवान को समर्पित कर दिया जाता है ताकि वे जीवन भर देवता की पूजा और सेवा कर सके। इस समर्पण समारोह को पोटुकट्टू कहा जाता है। आसान भाषा में कहे तो पोटुकट्टू विवाह जैसा समारोह होता है जिसमें एक लड़की भगवान को समर्पित की जाती है, जिसे मुत्तु कट्टू वुड्डू कहा जाता है। कहा जाता है कि ये महिलाएं मंदिरों की देखभाल करने, अनुष्ठान करने के अलावा आय के जरिए के तौर पर भरतनाट्यम, मोहिनी अट्टम, कुचिपुड़ी और ओडिसी जैसे नृत्य भी करती हैं। जानकार बताते हैं कि किसी के लिए देवदासी बनने की बाध्यता नहीं थी, लेकिन जो परिवार अपनी कन्या मंदिर को समर्पित करता था वह अचानक प्रतिष्ठावान बन जाता था। दूसरी ओर देवता को समर्पित कन्या को भी मान सम्मान दिया जाता था, जिसने इस परंपरा को लंबे समय तक बनाए रखने में मदद की। यहां तक तो मामला सहा जा सकता है, लेकिन ये दौर बदला और इसके बाद ये प्रथा अपने काले रूप अख्तियार करने लगी। दरअसल देवदासी वाले मंदिर में सबसे बड़ी राशि दान करने वाले व्यक्ति को देवदासी के साथ स्थायी तौर पर शारीरिक संबंध का अधिकार मिलने लगा, जिसके बाद देवदासी बनी लड़कियों को युवा होने पर यौन सेवाएं देने के लिए मजबूर किया जाने लगा। अब अगर बाद में वह रसूखदार अपना कॉन्ट्रैक्ट खत्म कर दे तो देवदासी दूसरे व्यक्तियों के साथ भी संपर्क बना सकती थी। समय और आगे बढ़ता गया और महिलाओं को वशीकरण के चक्र में फंसाकर कर्मकांडों के नाम पर यौन सेवकों में बदला जाने लगा। अब तक ये धार्मिक परंपरा अपराध में बदल चुकी थी। देवदासियां अब उच्च जाति के पुरुषों के लिए यौन नौकरों के तौर पर काम करने लगी। अब उन्हें या तो रखैल के रूप में खरीदा जाता है या वे कई पुरुषों की संपत्ति बनकर रह जाती थी। एक दौर के बाद कई देवदासी दूसरे शहरों में जाकर व्यवसाय के लिए वैश्यालयों में शामिल हो जाती थी। खैर, इसके बाद तमिलनाडु से आने वाली डॉक्टर मुथु लक्ष्मी रेड्डी और मुवलूर रामा मिर्थम अम्मल जैसे लोगों ने आवाज उठानी शुरू की। इसके बाद देवदासी प्रथा को बॉम्बे देवदासी संरक्षण एक्ट, कर्नाटक समर्पण निषेध कानून, आंध्र प्रदेश समर्पण निषेध अधिनियम और तमिलनाडु देवदासी समर्पण की रोकथाम एक्ट 1947 जैसे राज्य कानूनों के जरिए रोकने की कोशिश की गई। लेकिन ये आंकड़े जानकर आज भी आप हैरान रह जाएंगे। साल 2011 में राष्ट्रीय महिला आयोग ने अनुमान जताया था कि भारत में 48,358 देवदासियां थी, जबकि 2015 में अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की रिपोर्ट ने 4,50,000 और साल 2018 के कर्नाटक राज्य महिला विश्वविद्यालय की स्टडी ने अकेले कर्नाटक में 80,000 से ज्यादा देवदासी महिलाओं की संख्या बताई है। इसके पीछे जाति का वर्चस्व, धार्मिक अंधविश्वास, कानूनों के प्रवर्तन में गड़बड़ी और पितृसत्ता, सत्तात्मक सोच और जागरूकता की कमी जैसे कई कारण बताए जा रहे हैं। कारण जो भी हो, पर इस तरह की कुप्रथा भारत की सभ्यता में एक दाग की तरह है, जिसके लिए केंद्र सरकार के अलावा राज्य सरकार, स्वैच्छिक संगठनों और समाज को एक्टिव होकर कदम उठाने चाहिए। आप अगर इसी तरह की किसी कुप्रथा के बारे में जानकारी रखते हैं तो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। आज कार्यक्रम में इतना ही। हम फिर मिलेंगे कुछ नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।